नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं रवि तिवारी रीजनिंग की क्लास के साथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। खंड शिक्षाधिकारी बीईओ एक सुनहरी वैकेंसी जिसके लिए बैच लो है प्रारंभ होने जा रहा है। लगातार एडमिशन प्रक्रिया चल रही है और इसी क्रम में सभी विषय विशेषज्ञ बारी बारी से आप लोगों से मिल रहे हैं। उसी क्रम में मैं अलग अलग संदेशों के माध्यम से पहले आपसे रूबरू होता रहा हूं संस्थान की तरफ से, और इस समय मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं रीजनिंग की क्लास के साथ। तो खंड शिक्षाधिकारी के लिए रीजनिंग की क्लासेस की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, शुरुआत में जो क्लासेस में मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे टॉपिक्स का चुनाव कर रहा हूं जो टॉपिक एक ही दिन में खत्म हो जाए, एक ही लेक्चर में खत्म हो जाए। रीजनिंग की प्रकृति के हिसाब से यदि हम देखें तो कई टॉपिक ऐसे हैं जो दो दो तीन तीन दिन चलते हैं। प्रमोशंस क्लास में वैसे टॉपिक्स को खत्म करना संभव नहीं हो पाता, लेकिन एक दिन के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से निश्चित रूप से प्रश्न आपके बनते हैं, और उन टॉपिक के माध्यम से आपका जो समय है वो मूल्यवान है। अगर आप आधे घंटे हमारे साथ रुकते हैं तो आप सीखेंगे भी और काउंटिंग में भी आपका एक टॉपिक समाप्त हो जाएगा। जो टॉपिक मैं आपको यहां पढ़ा दूंगा, इसके बाद उस टॉपिक को बैच में नहीं पढ़ाऊंगा, ये लिंक आपको बैच में दे दिया जाएगा। तो एक तरह से अगर हम लोग देखें तो पढ़ाई लिखाई का प्रारंभ आपका यहीं से होने चल रहा है। आप देखते हैं कि तरह तरह की श्रृंखलाएं आती हैं और उस श्रृंखलाओं से संबंधित सवाल आपके गलत होते हैं। अगर हम पांच तरीकों को सीख लें तो जीवन में कभी भी हमारे श्रृंखलाओं से संबंधित सवाल गलत नहीं होंगे। वो श्रृंखलाएं जो आपकी वर्णमाला पर संबंधित होती हैं, जैसे जहां पे होता है ए ए बी बी सी सी करके, जो इस टाइप के प्रश्न आपके होते हैं जिसको हम कहते हैं अल्फाबेट लेटर सीरीज से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो कूट होते हैं, और एक श्रृंखला लोक सेवा आयोग के प्रत्येक पेपर में आपको देखने को मिली है। तो आज 28 से 29 मिनट का समय हम लोगों को लगेगा और लगभग हम एक नंबर जो दो नंबर का जो सवाल होता है, एक प्रश्न है, उसको हम लोग आज के लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। आइए इसी क्रम में बहुत ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग आपकी शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे आपको श्रृंखलाओं को पहचानना है और कैसे उन श्रृंखलाओं पर हमें काम करना है। अगर आप श्रृंखला को पहचानना सीख गए तो फिर बहुत आसान होगा आपको हल करना। थिंक विदाउट इंक के कॉन्सेप्ट से बिना कलम उठाए आप उस श्रृंखला को हल कर सकते हैं। तो एक जबरदस्त ऊर्जा के साथ हम लोग इस क्लास का प्रारंभ करने चल रहे हैं। एक और मैं एक मिनट का आपको जो है कुछ सूचना दे दूं। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में खंड शिक्षाधिकारी से संबंधित बैच में प्रवेश प्रक्रिया लगातार जारी है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कैसे प्रवेश लेना है। स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप प्रवेश ले सकते हैं। 11 तारीख से हमारी वेबसाइट पर क्लासेस प्रारंभ होने चल रही है, तो आपके पास एक सीमित समय है प्रवेश लेने के लिए, तो आप उस पर प्रवेश ले लें। या एक और तरीका है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर इस व्हाट्सएप नंबर को देखिए। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप एंट्री बीईओ लिखकर भेज दीजिए और आप हमारे बैच के सदस्य हो जाएंगे। व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर एंट्री बीईओ, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। बहुत सारे छात्र छात्राओं ने व्हाट्सएप किया हुआ है, जल्दी ही उनको मैसेज मिलेगा। और जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है वो यहां से अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करेंगे और 11 तारीख से प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए आप सामने देख पा रहे हैं कि एक श्रृंखला यहां पे लिखी हुई है ना, इस श्रृंखला को हमें हल करना है। इस तरह की श्रृंखलाएं आपसे पूछी जाती है ना। तो जो पहली श्रृंखला होती है इसको हम कहते हैं, देखिए पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम कहते हैं अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला। क्या कहते हैं? अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला। असमान समूह वाली श्रृंखला हम क्यों कहते हैं, ध्यान समझिए, अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला। अब असमान समूह वाली श्रृंखला हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अक्षर हम देख रहे हैं वहां पर अक्षरों के सभी समूह असमान हैं। जब भी अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला होती है, जैसे यहां पर दो अक्षर हैं, यहां पर तीन अक्षर हैं, यहां पर तीन अक्षर हैं, यहां पर चार अक्षर हैं, यहां पर दो अक्षर हैं और यहां पर एक अक्षर है, तो हम लोग इसको टाइप वन कहते हैं। और टाइप वन को हम कहते हैं अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला। बहुत आसानी से कैसे हम इसको देखते ही हल कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर आप देखिए कि अक्षरों का जो सबसे बड़ा समूह होता है वो कौन सा होता है। जब भी असमान समूह वाली श्रृंखला होती है आपको यह देखना है कि श्रृंखला में जो अक्षरों का सबसे बड़ा समूह है वो कौन सा है। ध्यान से समझिए, चलिए, अक्षरों का सबसे बड़ा समूह, जो बिना गैप के अक्षरों का सबसे बड़ा समूह है, क्लियर, सबसे बड़े समूह का चुनाव करना है। तो यहां पर बिना गैप के अक्षरों का जो सबसे बड़ा समूह है आपका वो ये है। सबसे बड़े समूह का चुनाव किया, चुनाव समूह था सी बी बी सी।
कुछ नहीं करना है। प्रारंभ से श्रृंखला में देख लीजिए कि यह समूह कहां से आपको मिलना प्राप्त हो रहा है, जहां से यह समूह आपको मिलना प्राप्त हो रहा है वहीं से समूह को भर दीजिए, श्रृंखला सॉल्व हो जाएगी। जैसे सबसे बड़े समूह का चुनाव किया सीबीबीसी, कहां से यह समूह मिल रहा है, तो आप कहेंगे देखिए यहां से यह समूह मिल रहा है तो सी ऑलरेडी लिखा है, दूसरा अक्षर क्या है बी, इस बी को यहां भर दीजिए, फिर एक अक्षर क्या है बी, इस बी को यहां पर लिखा हुआ है और ये क्या है सी। अगर हम देखें जहां से उस समूह को प्रारंभ से श्रृंखला में मिल रहा है उसको भरना है, तो यहां पे जो दूसरा अक्षर आएगा वो क्या आएगा बताइए, बी आएगा। अब आप गौर से देख लीजिए, आपको यहां पर एक समूह मिल गया है ए सी बी बी सी, और फिर यहां से ए से समूह अलग हो रहा है, तो यहां पर फिर इस समूह को देखिए दोहराएंगे ए सी बी बी सी, फिर देखिए ए सी बीबी सी, और फिर देखिए ए सी बीबी सी, और श्रृंखला आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहां पर इस श्रृंखला का जो मूल वो था वो क्या था, इस श्रृंखला का जो पेयर बन रहा था ए सी बीबी सी। क्लियर? तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस प्रकार की श्रृंखला को हम कहते हैं अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला। कैसे हम करते हैं एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा आपको, कुछ नहीं करना है, अक्षरों के सबसे बड़े समूह का चुनाव करना है और श्रृंखला के प्रारंभ से जहां से वो समूह मिलता है वहां से उस समूह को श्रृंखला में भरने का प्रयास करना है। तो आप बताइए ए सी, देखिए क्या था सी बी बी सी, ये समूह था तो ए सी यहां पर हम आ गए, अब यहां से ये समूह मिलना शुरू हुआ है तो बी बस भर देंगे तो ये समूह पूरा हो जाएगा। अब आप देखिए ए सी बी बी सी एक सीक्वेंस बन गया, फिर एक रिपीटेशन है ए सी बी बी सी, फिर देखिए ए सी बी बी सी, और फिर देखिए ए सी बी बी सी, और श्रृंखला आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो असमान समूह वाली श्रृंखला को हम ऐसे हल करते हैं, एक और उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आप लोग जल्दी से इसका उत्तर कर लेंगे। लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, एनटीपीसी की परीक्षा हो और यूपीएसआई की परीक्षा हो, इन तीन परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक एकदम निश्चित आप जान लीजिए कि आना ही आना है, आप इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। बाद में मैं सबसे बाद में आपको चार ऐसे सवाल हल करूंगा जो पीसीएस की परीक्षा में आयोग में आपसे पूछे हैं और उन सवालों के उत्तर आज भी लोग नहीं खोज पाए हैं और वो श्रृंखलाओं पर आधारित सवाल थे। आइए कितनी आसानी से हल होते हैं। दूसरा मैं देखता हूं, इसी का उदाहरण है, देखिए अब जैसे दूसरे सवाल में हम लोग यहां पर आए है ना, यहां पर दूसरे सवाल में जो हम लोग आए तो यहां पर गौर से देखिए सी के बाद के जो आपके दो खाली स्थान है यहां पर हैं, जो गलती से यहां आ गए, ये दो खाली स्थानों को आपको वहां देखना है। अब देखिए दूसरे सवाल में क्या लिखा है, बीबीए सीबीबी सीसीबी एसीसीबीबी और इसके बाद दो रिक्त स्थान है सी और फिर दो रिक्त स्थान है। अब देखिए असमान समूह वाली श्रृंखला है, आपको सामने से ही स्पष्ट हो रहा है। कैसे हल करेंगे, बिना बिना गैप के सबसे बड़े समूह का चुनाव करेंगे, तो बिना गैप का जो सबसे बड़ा समूह है वो क्या है बताओ, ए सी सी बी बी। ये बिना गैप का सबसे बड़ा समूह है ए सी सी बी बी, तो यहां पर गौर देखिए ए सी सी बी बी श्रृंखला में प्रारंभ से कहां से समूह मिल रहा है आपको भरना है, तो देखिए ए सी सी बी बी, तो ये ऊपर से साफ साफ हम देख रहे हैं कि पांच अक्षरों का ये समूह है, यहां से अगर हम भर दें ए सी सी बी बी, अब फिर देखिए ए सी सी बी बी, फिर देखिए ए सी सी बी बी, और फिर देखिए ए सी सी बी बी, और यहां पे क्या होगा ए सी सी बी बी, और आपकी श्रृंखला क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये भी अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला थी और अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला को हम पलक झपकते ही हल कर सकते हैं। तो ये पहला टाइप था अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला, हमें सबसे बड़े समूह का चुनाव करना है और श्रृंखला के प्रारंभ से जहां से वह समूह मिल रहा है वहां से वह समूह को भर देना है और हमारी श्रृंखला क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। आइए दूसरे टाइप पर चलते हैं, यहां पर है ना दूसरा टाइप आपका है। अब यहां पर देखिए क्या अंतर है, इसको हम अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला तो नहीं कह सकते, इसको हम क्या कहेंगे, अक्षरों के समान समूह वाली श्रृंखला कहेंगे। क्या कहेंगे, अक्षरों के समान समूह वाली श्रृंखला, अक्षरों के समान समूह वाली श्रृंखला। क्लियर? क्योंकि आप देखिए टाइप टू है और यहां पे अक्षरों के सभी समूह क्या है, समान। कैसे समान है, बी ए सी है, ए सी सी है, सी बी 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 है और सी बी ए है। तो यहां पर देखिए पहला टाइप तो ये हो नहीं सकता, ये दूसरा टाइप है अक्षरों के समान समूह वाली श्रृंखला, सभी समूह समान है। तो जब अक्षरों के समान समूह वाली श्रृंखला होती है तो हम इसको कैसे हल करते हैं, देखिए सबसे पहले
राइट हैंड साइड में जो समूह हो उस समूह का चुनाव करते हैं। तो राइट हैंड साइड में जो समूह है उस समूह का चुनाव करते हैं जो सबसे दाएं पक्ष पे हो, तो वो समूह है CBA। सबसे दाहिने पक्ष पे जो समूह है उसका चुनाव करते हैं, और दाहिने पक्ष के समूह का चुनाव करके श्रृंखला के प्रारंभ से जहां से वह समूह प्राप्त हो रहा होता है उसी को भर देते हैं। कुछ मत सोचिए, दाहिने समूह का चुनाव करिए और श्रृंखला के प्रारंभ से उस समूह को जहां से रिक्त स्थान हो बिना कुछ देखे उस समूह को भर दीजिए। जैसे यहां पे CBA है तो आप देखिए CBA और ए भरने की जरूरत नहीं होगी, ये ऑलरेडी भरा है। फिर सुनिए, यहां पे आपको कुछ नहीं देखना है, राइट हैंड साइड के समूह का चुनाव करना है, समान समूह वाली श्रृंखला में, और श्रृंखला के प्रारंभ से जहां से रिक्त स्थान हो आंख बंद करके उस समूह को भर दीजिए, श्रृंखला पूरी हो जाएगी। CBA आपने भर दिया, अब देखिए BACC, फिर यहां पर देखिए BACC, और फिर यहां पर क्रम बन गया BACC, और फिर देखिए BACC, और फिर देखिए BACC, और आपकी श्रृंखला क्या हो गई बताइए, पूर्ण हो गई। और आपकी श्रृंखला क्या हो गई बताइए, पूर्ण हो गई। फिर से सुनिए कैसे करते हैं, अक्षरों के जो समान समूह वाली श्रृंखला होती है उसमें राइट हैंड साइड में जो समूह है उसका चुनाव करते हैं, जैसे CBA है, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, राइट हैंड साइड के समूह का चुनाव करके श्रृंखला के प्रारंभ से जहां से रिक्त स्थान खाली मिलता है उस समूह को हम भर देंगे। देखिए तो कहां से है, ये CBA और ए भरने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी है। अब देखिए BACC और फिर BACC और श्रृंखला हमारी यहां पे क्या होगी बताइए, पूर्ण हो गई। रीजनिंग बहुत आसान है, मैं वादा करता हूं कि आप लोग 20 मिनट में पूरा 35-40-45 क्वेश्चन रीजनिंग का हल कर लेंगे, कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले भी किया और आगे भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप रीजनिंग और करंट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं आराम से अनवरत। आइए अब इसका भी एक उदाहरण कर लेते हैं, आप लोग करके दिखाइए। जैसे तीसरा ये सवाल है जो यहां पर, अब देखिए पहले तो श्रृंखला को पहचानिए। तो जैसे ही आप श्रृंखला को पहचानेंगे तो आप देखेंगे कि अक्षरों के समान समूह वाली श्रृंखला है, इसका मतलब टाइप 2 है। टाइप टू क्या है बताओ, समान समूह वाली श्रृंखला। अगर आपने पहचान लिया तो बताओ कैसे समान समूह वाली श्रृंखला को हल करते हैं, आप जानते हैं। तो राइट हैंड साइड में जो समूह है उस समूह का चुनाव करना है। तो राइट हैंड साइड का जो समूह है वो समूह क्या है बताइए आप, तो आप कहेंगे TKLN। क्या है TKLN, यही है ना TKLN। मुझसे पहले उत्तर आप लोग कर दीजिए, अगर TKLN एक समूह है तो बताइए कैसे इस समूह को भरेंगे। तो देखिए जहां से रिक्त स्थान मिल रहा है वहीं से भरना है, तो भर दीजिए TKL और N भरने की जरूरत नहीं होगी और इस श्रृंखला आपकी पूरी हो जाएगी। बस सीक्वेंस ले लीजिए KLNTT, फिर यहां से देखिए KLNTT, फिर यहां से देखिए KLNTT, और फिर यहां से देखिए यहां पर हा KLN और यहां पे TT, और ये श्रृंखला आपकी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। क्या समूह हमारा बना, KLNTT और फिर यहां पर हा KLNTT, और ये श्रृंखला हमारी पूरी हो गई। तो बहुत आसान है, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं, क्या करना है, समान समूह वाली श्रृंखला में राइट हैंड साइड के जो समूह है उसका चुनाव करना है, और इसके बाद हमें क्या करना है, श्रृंखला के प्रारंभ से जहां से रिक्त स्थान मिल रहा है उस समूह को भर के श्रृंखला को पूर्ण कर देना है, और हमारा काम यहां पर हो जाएगा। आइए तीसरे टाइप पर चलते हैं। देखिए बहुत आसान है, पहचानना भी बहुत आसान है। ये देखिए, अब आप बताइए इसको आप श्रृंखला का पहला टाइप और दूसरा टाइप क्यों नहीं कह सकते हैं, इसको आप श्रृंखला का पहला टाइप और दूसरा टाइप क्यों नहीं कह सकते, यह हमें देखना है। देखिए पहला टाइप इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि असमान समूह वाली श्रृंखला तो है, लेकिन असमान समूह वाली श्रृंखला में एक समूह सबसे बड़ा होता है, और यहां पर गौर से देखिए दो समूह सबसे बड़े हैं। एक समूह सबसे बड़ा होता है और यहां पर देखिए दो समूह यहां पर सबसे बड़े हैं, तो ये असमान समूह वाली श्रृंखला टाइप 1 नहीं हो सकती। क्लियर, अब ये देखिए टाइप 2 भी नहीं हो सकती। पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों, टाइप 2 में सभी समूह समान होते हैं, टाइप 1 में एक समूह सबसे बड़ा होता है लेकिन यहां पर दो समूह सबसे बड़े हैं।
टाइप टू में सभी समूह समान होते हैं, लेकिन यहां पर देखिए केवल दो समूह समान है, बाकी समूह असमान है, है ना। तो जब ये टाइप वन नहीं है, टाइप टू नहीं है, तो हम इसको कहते हैं टाइप थ्री। और टाइप थर्ड जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक सीरीज। इसको हम कहते हैं अक्षरों की चक्रीय क्रम वाली श्रृंखला। क्या कहते हैं? अक्षरों की चक्रीय क्रम वाली श्रृंखला। क्लियर? कैसे हम इसको हल करते हैं अक्षरों की चक्रीय क्रम वाली श्रृंखला को, समझ लीजिए। देखिए अक्षरों की जो चक्रीय क्रम वाली श्रृंखला होती है, इसको हल करने के एक सीधे सीधे हमारा तरीका क्या होता है, हम देखते हैं वैरायटी ऑफ लेटर्स क्या है। चक्रीय क्रम में सबसे पहले हमें यह देखना है कि वैरायटी ऑफ लेटर्स क्या है, मतलब श्रृंखला में जो अक्षरों के प्रकार है वो क्या है। अब देखिए कितने प्रकार के अक्षर श्रृंखला में आपको दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे पी क्यू आर और एस, है ना। वैरायटी ऑफ लेटर्स है कि चार प्रकार के अक्षर देख रहे हैं। पहला स्टेप क्या है साइक्लिक में, टाइप थर्ड में, सबसे पहले देखेंगे कितने प्रकार के अक्षर दिख रहे हैं, और जितने प्रकार के अक्षर आपको दिख रहे होंगे उतने के ही बराबर भागों में श्रृंखला को तोड़ दीजिए। जितने प्रकार के अक्षर आपको दिख रहे हैं उतने के ही बराबर भागों में श्रृंखला को तोड़ दीजिए। चार प्रकार के अक्षर देख रहे हैं तो चार के बराबर भागों में श्रृंखला को तोड़िए तोड़िए। ये देखिए एक यहां पर तोड़ा, एक दो तीन चार यहां पर तोड़ा, एक दो तीन चार यहां पर तोड़ा और यहां पर तोड़ा, चार भागों में तोड़ दे। और इसके बाद कुछ नहीं करना है, जिस भाग में जो अक्षर अनुपस्थित दिख रहा हो उस चार में से, उस भाग में उस अक्षर को भर दीजिए, श्रृंखला अपने आप पूर्ण हो जाएगी। क्या कहा मैंने, जिस भाग में जो अक्षर अनुपस्थित दिख रहा हो उस भाग में उसी अक्षर को भर दीजिए, श्रृंखला अपने आप पूर्ण हो जाएगी। सभी सदस्य सुन लीजिए, तो आप देख लीजिए इसमें क्यों नहीं दिख रहा है क्यों भर दीजिए, क्यू आर इसमें एस नहीं दिख रहा है एस भर दीजिए, आर एस पी इसमें क्यू नहीं दिख रहा है क्यू भर दीजिए, और एस पी क्यू आर इसमें क्यू नहीं दिख रहा है इसमें क्यू भर दीजिए। तो यहां पे देखिए पी क्यू आर एस, क्यू आर एस पी, आर एस पी क्यू, एस पी क्यू आर, और इसी प्रकार आप देखेंगे कि साइक्लिक सीरीज आपकी पूर्ण हो गई। चक्रीय क्रम वाली श्रृंखला टाइप वन टाइप टू दोनों नहीं हो सकती, तो ये क्या होगी, टाइप थर्ड होगी। मैं एक 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भेजूंगा, 9 मिनट में आप उस प्रैक्टिस सेट को हल कर लेंगे। कैसे, बस दो और समय दीजिए। क्या करना है, पी क्यू आर एस चार प्रकार की श्रृंखला है, चार प्रकार के अक्षर है, टाइप देख लीजिए, वेराइटी ऑफ लेटर्स क्या है, अक्षरों के प्रकार क्या है, और जितने प्रकार के अक्षर हो उतने के ही बराबर भागों में श्रृंखला को बांट दीजिए। और जैसे ही आप देखेंगे कि जिस भाग में जो अक्षर अनुपस्थित हो उस भाग में उस अक्षर को हम भर के श्रृंखला को पूर्ण कर लेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी इस बार बनकर रहेंगे, कोई सवाल गलत नहीं करेंगे। मैथ और रीजनिंग ही ऐसा विषय है जो आपकी मेरिट को आगे ले जाता है। आप इससे पहले पीसीएस में सी सेट अलग देते थे और जीएस अलग देते थे, यहां पर सी सेट और जीएस का कंबाइंड पेपर होने जा रहा है उसी लेवल पर, इसलिए कोताही एकदम मत बरतिएगा, बस जुट जाइए। आप कर सकते हैं, आपने इससे पहले भी किया है। आइए अब देखिए, जैसे छठवां प्रश्न है, टाइप वन है, टाइप टू है, टाइप थ्री है, पहले तो पहचान लीजिए। देखिए टाइप वन तो हो नहीं सकता क्योंकि दो समूह समान है, दो समूह सबसे बड़े हैं। टाइप टू नहीं हो सकता क्योंकि सभी समूह समान नहीं है, तो क्या है, टाइप थ्री है। और टाइप थ्री में हमें क्या देखना है, बस वैरायटी ऑफ लेटर्स देखना है। तीन प्रकार के अक्षर हैं ए बी और सी। वैरायटी ऑफ लेटर्स जब आप इसको देख लें तो आप गौर से देखिए यहां पर, है ना, यहां पर तीन तीन के बराबर भागों में आपको इसको बांटना है। क्लियर? और तीन तीन के बराबर भागों में जब आप इसको बांट देंगे तो यहां पर गौर से देखिए, यहां पर देखिए ए, अब किस भाग में कौन सा अक्षर नहीं है, यहां पे बी नहीं है, यहां पर सी नहीं है, यहां पर ए नहीं है, यहां पर सी नहीं है, और यहां पर बी नहीं है, और यहां पर ए नहीं है। और देखिएगा सीक्वेंस अपने आप पूरा हो जाएगा, ए बी सी बी सी ए, ए बी सी बी सी ए, ए बी सी और बी सी ए, और इस श्रृंखला आपकी क्या हो गई बताइए, पूर्ण हो गई। ये श्रृंखला क्या हो गई आपकी, पूर्ण हो गई। अब आपका कभी भी इस टाइप का सवाल गलत नहीं होगा। अब गौर से देखिए चौथे प्रकार की श्रृंखलाओं में हम लोग चलते हैं। देखिए जैसे ये एक सीरीज है ना। अब ये देखिए पहले तो एक स्पष्ट हो जाएगा, टाइप वन और टाइप टू क्यों नहीं हो सकता। देखिए टाइप वन इसलिए नहीं हो सकता, दो समूह सबसे बड़े हैं। टाइप टू इसलिए नहीं हो सकता, सभी समूह समान नहीं है।
और चक्रीय क्रम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि चक्रीय क्रम में कभी भी रिपीटेशन नहीं होता अक्षर का, चक्रीय क्रम में कभी भी रिपीटेशन नहीं होता, और यहां तो अक्षर तीन तीन बार आया हुआ है ना। तो ऐसी जब श्रृंखला होती है इसको हम कहते हैं अक्षरों के बढ़ते हुए क्रम वाली श्रृंखला। क्या कहते हैं? अक्षरों के बढ़ते हुए क्रम वाली श्रृंखला, इंक्रीजिंग लेटर पैटर्न सीरीज, ये टाइप फोर है। टाइप फोर है आपका इंक्रीजिंग लेटर पैटर्न सीरीज। दो तरीके इसके होते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो तरीके इसके होते हैं। पहला तरीका इसका यह होता है कि इसमें एक अक्षर ऐसा होता है जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है। इसमें इसका एक अक्षर ऐसा होता है जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है, अधिकतम। और दूसरा अक्षर ऐसा होता है जिसकी बारंबारता न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है। और इस श्रृंखला की खास विशेषता है इसमें केवल दो ही अक्षर होते हैं। इस श्रृंखला में केवल दो ही अक्षर होते हैं जिसमें से एक अक्षर की बारंबारता, बारंबारता से हमारा आशय है अक्षरों के बार बार आने की प्रकृति। एक अक्षर की बारंबारता अधिकतम होगी और दूसरे अक्षर की बारंबारता आपकी क्या होगी? न्यूनतम होगी। हमें क्या करना है? न्यूनतम बारंबारता वाले अक्षर को श्रृंखला के प्रारंभ से ही श्रृंखला में भर देना है, श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। जैसे यहां पर अधिकतम बारंबारता वाला अक्षर कौन सा है बताओ? ए है। और न्यूनतम बारंबारता वाला अक्षर कौन सा है बताओ? बी है, है ना। तो दो अक्षर हो गए, अब दो अक्षर कौन है बताओ? ए और बी। न्यूनतम बारंबारता वाले अक्षर को श्रृंखला के पहले रिक्त स्थान से भर दीजिए, श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। जैसे यहां पे ए लिखा है तो ए के बाद बताइए बी, फिर दो ए लिखा है तो इसके बाद फिर बी, और फिर ए लिखा है तो इसके बाद बी। अब सिक्वेंस देखिए आपको समझ में आ गया, एक ए के बाद बी, दो ए के बाद बी, तीन ए के बाद भी, अब क्या होगा बताओ? चार ए के बाद भी होगा, और बाद में क्या होगा बताओ? पांच ए के बाद भी होगा, और आपकी श्रृंखला क्या हो गई? पूर्ण हो गई। तो चौथे प्रकार की जो श्रृंखला होती है इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग लेटर पैटर्न सीरीज, अक्षरों के बढ़ते हुए क्रम वाली श्रृंखला, जिसमें एक अक्षर की बारंबारता अधिकतम होती है और दूसरे अक्षर की बारंबारता न्यूनतम होती है। हमें क्या करना है? न्यूनतम बारंबारता वाले अक्षर को श्रृंखला के प्रारंभ से ही पहले रिक्त स्थान से श्रृंखला में भर देना है, और श्रृंखला अपने आप क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। क्लियर? ये चौथा टाइप था। और सबसे महत्वपूर्ण जबरदस्त एक टाइप है पांचवा, और उसके बाद विविध का टाइप है छठवा। आइए अब देखिए अगले प्रकार की श्रृंखला पर करते हैं। देखिए अब हमें यह देखना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्यों नहीं हो सकता। पहले तो हमें यह देखना है। तो देखिए पहला किस लिए नहीं हो सकता? दो समूह सबसे बड़े हैं, पहले में एक समूह सबसे बड़ा चाहिए था। दूसरा क्यों नहीं हो सकता? सभी समूह समान नहीं है। तीसरा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिपीटेशन यहां पर दो दो बार है और चक्रीय क्रम में रिपीटेशन नहीं होता। चौथा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चौथी श्रृंखला में तो केवल दो ही अक्षर होते हैं, यहां पर तो अक्षरों की संख्या दो से ज्यादा है, है ना, टाइप वैरायटी ऑफ लेटर्स दो से ज्यादा है, तो चौथा भी नहीं हो सकता। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं हो सकता, तो फिर ये टाइप पांचवा होगा जिसको हम कहते हैं अक्षर सादृश्यता श्रृंखला, क्लोज वैरायटी टेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं अक्षर सादृश्यता श्रृंखला, क्लोज वैरायटी टेस्ट। अब देखिए कैसे क्लोज वैरायटी टेस्ट को हम लोग यहां पर चेक करते हैं। कुछ नहीं करना, इस श्रृंखला की दो तीन विशेषताएं होती हैं। इस श्रृंखला का पहला और अंतिम अक्षर एक समान होता है, पहली विशेषता, पहला और अंतिम अक्षर एक समान, क्लियर, एक समान। दूसरी विशेषता, ठीक मध्य का जो अक्षर युग्म होगा वो एक समान होगा, ठीक मध्य का जो अक्षर युग्म होगा वो एक समान होगा, क्लियर। और श्रृंखला में अक्षरों की संख्या हमेशा सम होती है, श्रृंखला में अक्षरों की जो संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है बताओ? सम होती है। देखिए कैसे हल करते हैं, कुछ नहीं करना है, ये देखिए अगर आता है तो आता है, नहीं आता है नहीं, तो पहले अक्षर को ले जाना है और लास्ट के पहले अक्षर से मिला देना है, दूसरे अक्षर को ले जाना है अक्षर सादृश्यता और यहां पर दूसरा अक्षर जो था वो भर देना है सी, तीसरा अक्षर यहां से ले जाना है और यहां पर जो तीसरा अक्षर था उसको भर देना है सी है, चौथा अक्षर यहां से ले जाना है और यहां पर चौथा अक्षर आपका बताइए क्या है बताओ? के है। अब गौर से देखिए पांचवा अक्षर यहां पे क्या है बताओ? सी है, तो यहां से ले आइए पांचवें अक्षर को यहां पे सी भर दीजिए, हाँ ये के था आपका यहां पे, हाँ छठवें अक्षर को ले लीजिए यहां पे बी है,
तो यहां पर छठवां अक्षर आपका बताइए क्या होगा, बी होगा। अब यहां पे देखिए ये अक्षर क्या होगा, बी होगा, और यहां पे ये अक्षर क्या होगा, के होगा, और ठीक मध्य का अक्षर युग्म एक समान होगा और श्रृंखला आपकी पूर्ण हो जाएगी। क्लियर? तो क्या करना है कि रोज वैरायटी में अक्षरों की संख्या हमेशा सम होगी क्योंकि पेयर्स बनते हैं। दूसरी बात, ठीक मध्य का अक्षर युग्म एक समान होगा और पहला और अंतिम अक्षर क्या होगा, एक समान होगा। अगर ये तीनों ही चीजें हैं तो श्रृंखला आपकी क्या हो जाएगी बताइए, पूर्ण हो जाएगी। क्लियर? तो ये पांचवा टाइप था जिसको हम कहते हैं क्लोज वैरायटी टेस्ट। अब यूपी पीसीएस ने आपसे दो प्रश्न पूछे यहां से, है ना? बहुत से देखिएगा विविध वाले टाइप में हम लोग देखेंगे, दो प्रश्न पूछे, नोट लेना पड़ेगा इसके लिए हमें। ये तो व्हाट्सएप नंबर लिखा है आपके प्रवेश के लिए, देख लीजिएगा। नोट जब हम लेते हैं, देखिए उन्होंने आपसे पूछा एक श्रृंखला, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, एक श्रृंखला उन्होंने ये पूछी। एक श्रृंखला उन्होंने ये पूछी, एक सेकंड, और एक श्रृंखला ये पूछी। ये तीन प्रकार की श्रृंखला उन्होंने आपके तीन एग्जाम्स में पूछी, इनको हम कैसे हल करेंगे इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए कभी कभी हम क्या होते हैं, अल्फाबेट पे हिसाब लगा लेते लगाते रहते हैं लेकिन चीजें अल्फाबेट से बाहर निकल जाती हैं। जैसे गौर से देखिए, जब सिंगल अल्फाबेट लेटर सीरीज दी जाए और उन पांच टाइप में वो श्रृंखला शामिल ना हो जो मैंने आपको बताया है, तो आप दिनों के नाम को और महीनों के अंग्रेजी के नाम को जरूर चेक करिए क्योंकि ये श्रृंखला दिनों के नाम और अंग्रेजी के महीनों के नाम से डिपेंड होती है। क्लियर? तो जब भी सिंगल अल्फाबेट लेटर सीरीज दी जाए और श्रृंखला उन पांच टाइप की ना हो तो हमें दिनों के और महीनों के नाम को जरूर चेक करना है। जैसे यहां पर देखिए, जनवरी संडे, फरवरी मंडे, है ना, मार्च ट्यूजडे, अप्रैल वेडनेसडे, है ना, एक दिन का नाम है और एक यहां पे है अप्रैल वेडनेसडे। अब अप्रैल के बाद बताओ क्या होगा, मई, और वेडनेसडे के बाद बताओ क्या होगा, थर्सडे। तो यहां पे हमारा उत्तर होगा एमएनटी। सीक्वेंस में देखिए यहां पे उत्तर क्या है, जनवरी फरवरी, यहां पे इसके बाद मार्च अप्रैल, और यहां पे क्या है, मई। क्लियर? और यहां पे देखिए ये क्या है, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, और यहां पे क्या है बताइए, थर्सडे। क्लियर? अब गौर से देखिए, यहां पे देखिए ये जो आया है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून और जुलाई, ये भी दिनों के नाम पे डिपेंडेंट श्रृंखला है। यहां पे देखिए वेडनेसडे से शुरू हुआ है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे और वेडनेसडे से लेकर वेडनेसडे तक आई है। तो इस प्रकार की श्रृंखलाएं जब होती है, महीनों के नाम जूनियर असिस्टेंट के पेपर में 20 से शुरू हो गए थे, तो इस प्रकार की श्रृंखलाएं जब होती है तो हमें गौर से देखना होता है कि कैसे इन श्रृंखलाओं को हल करना है। और यहां पर आप जो है दिनों के नाम और महीनों के नाम के पहले लेटर को जो, तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है ना, और इसका प्रैक्टिस सेट मैं आपको बैच में कराऊंगा। पांच तरीके होते हैं, इन्हीं पांच तरीकों से श्रृंखला बनती है और एक छठवां तरीका होता है जो विविध है। उम्मीद है कि टॉपिक आपको बहुत शानदार लगा होगा, नीचे अपने फीडबैक कमेंट जरूर दें। टारगेट बेतालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से आज इतना ही, खंड शिक्षा अधिकारी के बैच से जुड़े और मजा आ जाएगा, विजन 2020 को साकार करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्कार।